हेलो गाइस वेलकम बैक टू टेक मास्टर एडू और इस कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट में जो है हमने कंप्यूटर नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी इन सभी से रिलेटेड जो है बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको सी एस आर एफ दैट इज़ क्रॉस साइड रिक्वेस्ट फॉर का एक अटैक जिसे हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्स एस एस के नाम से भी जानते हैं उससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट और उसके डायग्राम की हेल्प से उसके एग्जाम्पल की हेल्प से जो है हमने उस टॉपिक को समझा था और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनी पोर्ट के बारे में हनी पोर्ट जो है बेसिकली आपका एक छोटा सा टॉपिक है आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी की टर्म्स के अंदर बट इसका जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा है आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी को आपकी इंटरनेट सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए मोर स्पेसिफिकली अगर मैं आपकी बात करूँ तो इस यूनिट के अंदर जो है यूनिट थर्ड या सेक्शन थर्ड आप बोल सकते हैं इसे उसके अंदर जो हमने वेब सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है मोस्टली कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है और उनके अंदर जो अटैक्स पॉसिबल है उन सभी को जो है हमने डिस्कस किया है और उन्ही अटैक को काउंटर अटैक करने के लिए जो है हनी पोर्ट नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है अब हनी पोर्ट होता क्या है इसके एक बार डेफिनेशन से हम समझते हैं ए हनी पोर्ट इज ए कंप्यूटर सिक्योरिटी मैकेनिज्म सेट टू डिटेक्ट डिफ्लैप और इन सम मैनर काउंटर एक्ट at एट use यूज़ ऑफ systems। सिस्टम्स तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स का मतलब है जो भी हम इंटरनेट पे कोई भी आइटम सर्व कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो है हमारी वेब सिक्योरिटी के अंदर एक कंप्यूटर सिक्योरिटी का मैकेनिज्म यूज होता है जो कि डिटेक्ट करता है डिफ्लेक्ट करता है या फिर किसी मैनर्स में जो है अगर हमारे सिक्योरिटी पे अगर हमारी वेबसाइट पर कोई अटैक आ रहा है तो उसको काउंटर एक्ट करता है तो इस तरीके के अटेम्प्ट्स को जो है डिटेक्ट करने के लिए डिफ्लेक्ट करने के लिए जो है हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो भी अनऑथराइज एक्सेस होता है जो कि हैकर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी अटैक जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक्स के बारे में बताया दैट इज क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग अटैक के बारे में तो उन अटैक को काउंटर अटैक करने के लिए या फिर उन अटैक को डिटेक्ट करने के लिए उनसे बचने के लिए जो है हमारा हनी नाम का एक कंप्यूटर सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो कि यूज किया जाता है अब बेसिकली हनी पोर्ट जो है वो आपका डेटा को कंटेन करता है अब डेटा को किस तरीके से कंटेन करता है इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक नेटवर्क साइट है जो कि हमारी इंटरनेट पे अवेलेबल है उस साइट के अंदर क्या है उस साइट के अंदर जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है जितने भी आपके बटन है वेब पेजेस है वो लेजिटिमेट पार्ट है मतलब उस साइट पे वो जो है वो पार्ट्स अवेलेबल है बट एक्चुअली में जो है वो पार्ट आपके अवेलेबल होंगे नहीं उनको आइसोलेट किया जाता है या फिर मॉनिटर किया जाता है अब सपोज मैं इस साइट की बात करूं नेटवर्क साइट की अगर हम उस साइट पे विजिट करते हैं और उसके किसी वेब पेज को ओपन करते हैं तो हमें तो नहीं पता कि उस वेब पेज के अंदर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है या नहीं उसके लिए हम एच HTTP और एच के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बट हम कैसे उस चीज से बच सकते हैं तो उसके लिए जो है हनी सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज होता है अब यह हनीपोर्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म मैंने अभी आपको कहा कि ये डेटा को कंटेन करता है अब ये किस टाइप के डेटा को कंटेन करेगा अब मान लीजिए इस साइट के अंदर जो है जिस वेब पेज की मैं बात कर रहा हूँ मैंने अगर उस वेब पेज को विजिट किया और उसके अंदर मैंने जो जो एक्शन परफॉर्म किए वो मेरे सारे एक्शन जो है मोनिटर हो रहे होंगे अटैकर के थ्रू या फिर हैकर के थ्रू बट मुझे वो चीज़ नहीं पता तो उस चीज को काउंटर एक्ट करने के लिए या फिर वो जो मॉनिटरिंग आइसोलेशन का पार्ट जो कि हैकर यूज कर रहा है उस अटैक को डिटेक्ट करने के लिए या फिर डिफ्लेक्ट करने के लिए जो है हनी पोर्ट मकैनिज्म यूज होता है जो कि क्या करता है आपकी इंफॉर्मेशन को या फिर रिसोर्सेज को जो है अटैकर को प्रोवाइड करने से आपको बचाता है और उन अटैक्स को जो है वो ब्लॉक कर देता है तो बेसिकली आपका छोटा सा सिक्योरिटी मकैनिज्म है अगर हनी पोट की हम बात करें जो आपकी सिक्योरिटी को स्मोर स्पेसिफिकली वेब सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा उसके ऊपर जो भी अटैक्स आ रहे होंगे उनको डिटेक्ट करेगा डिफ्लेक्ट करेगा और किसी मैनर में जो है उनको काउंटर एक्ट करेगा जस्ट लाइक ब्लॉकिंग वो उन कॉन्सेप्ट को उन अटैक को ब्लॉक कर देगा जिससे जो है आपका डेटा जो है या फिर आपके रिसोर्स जो हैं वो अटैकर के पास नहीं पहुंच पाएंगे इस एग्जांपल के अंदर इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं सिंपली इंटरनेट के थ्रू जो है यहाँ पे इंटरनेट और हमारे सिक्योरिटी के डेटा जो भी हैं इंटरनल नेटवर्क जो भी हैं उन सभी के बीच में जो है आपका हनी पोर्ट जो है यहाँ पर वो अवेलेबल है और इस सिक्योरिटी मैकेनिज़म का यूज़ करते हुए हम अपने डेटा से या फिर इंटरनल नेटवर्क से जो है अपनी सिक्योरिटी को मेटेन कर सकते हैं थैंक यू